लगाया और कहा कि ये रहा सूची। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के डर से बीचे टीके की रणनीति के बारे में स्पष्ट रूप से सोचना महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत सरकार का जो जवाब था, जो मृत किसान हैं, आंदोलनकारी किसान जिनकी मृत्यु हुई है उनको कंपनसेशन देने के बारे में, वो जवाब कहीं से गले के नीचे उतर ही नहीं सकता है। सरकार कह रही है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि दूसरी ओर पंजाब की सरकार ने, जिसका कोई भूमिका उस आंदोलन में नहीं है, उसने 403 मृतक किसानों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया। वही लिस्ट है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारे पास 100 लोगों का और लिस्ट है, और अखबारों में खबर छपी है, हर मौत के बाद मौत की खबर जो है अखबार में छपी है। आप उन खबरों के सहारे जो है आप आंकड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। तो असली बात तो यह है कि आप मुआवजा नहीं देना चाहते हैं। सीधे कहिए कि मुआवजा नहीं देंगे हम, मौत के लिए जवाबदेह नहीं हैं, लेकिन ये कहना ये तो बेमतलब की बात है। और जहाँ तक टीका का सवाल है, तो ये तीसरा दौर लगता है कि ये जो नया वेरिएंट आया है उसके साथ शुरू हो गया है। कर्नाटक में 2-2 लोग जो है इसके, माने हमारे देश में उसका आगमन हो गया है। अब देखिए इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। अभिनेत्री कंगना रनौत की कार को किसानों ने रोपड़ के पास रोक दिया। वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि कंगना रनौत द्वारा किसानों पर की गई टिप्पणी को लेकर के वो विरोध कर रहे थे। इस पर कंगना रनौत ने कहा कि अगर पुलिस कर्मी वहाँ मौजूद नहीं होते तो लिंचिंग होती, इन लोगों पर शर्म आती है। देखिए, हमने भी उस वीडियो को देखा है, और कंगना रनौत जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आदत है उनकी, और इसी आदत के चलते वो परेशानी झेली। मैंने साफ दिखाई दे रहा था, पीला साड़ी पहने हुए महिलाएं भी वहाँ थीं, और महिलाएं भी इनको, इनसे सवाल जो है पूछ रही थी बहुत उत्तेजित होकर के। और हमने देखा कि एक महिला के गाल पर हाथ रख करके ये समझाने का उसको कोशिश कर रही थी। ये नहीं होना चाहिए था, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन जो वो कह रही हैं वो बिल्कुल झूठ है। अगर मैंने पुलिस जो है, मैंने कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि किसानों के आगे मैंने पुलिस को झुकना पड़ा है, तो अगर ऐसी इतना होस्टाइल होते किसान, इनको मैंने मारने पर उतारू होते, तो पुलिस इनको नहीं बचा पाती, या 2-4-10 लाश गिरती वहाँ, ये स्थिति थी। इसलिए ये मैंने मेंटल केस हैं, और इस तरह का विवाद जो है विवादास्पद बयान देना, पता नहीं इनको क्या सुख उसमें मिलता है। कभी गांधी पर बोलेंगी, कभी आंदोलन आज़ादी का जो है हमको भीख में मिली ये बात कहेंगी। ये आदत है इस महिला की, और उसी आदत के वजह से ये किसान जो आंदोलन के लोगों ने जो इनका विरोध किया उसको ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर पुलिस हमारे सुरक्षा में नहीं होती तो हमारी हत्या हो जाती। ये आदत है इनकी। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसद माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, हम विपक्ष से क्या बात करें? राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल ने ये बात। पीयूष गोयल जी बबुआ हैं, मैंने गमला के अंदर जो फूल पौधा काट छांट करके बड़ा खूबसूरत बना कर रखा जाता है, उसी तरह की पर्सनालिटी है। अंग्रेजी गोल गोल बोलते हैं, सुंदर चेहरा है। भले बताइए, इस तरह की घटनाएँ कितनी हुई हैं राज्यसभा में? मैंने हम खुद जो है राज्यसभा में रहे हैं, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी किस तरह से, मैंने प्रोसीडिंग जो है कितने दिनों तक लगातार उन लोगों ने डिस्टर्ब किया है। इसलिए ये टू मच है कि आप जो है एक पूरे सत्र के लिए मैंने 12 सांसदों को बाहर निकाल रहे हैं, इसमें भी संदेहास्पद ढंग से आपने चयन किया है। शुरुआती दौर में 20 सांसदों का को नामित किया गया था, उसके बाद जो है दिखाई दे रहा था कि कई लोग जो सीधे मैंने वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने चेयर पर किताब फेंका तो रिपोर्टर्स के टेबल पर चढ़ा, उनका नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमको लगता है कि सरकार को इस तरह से टकराव वाली स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। अगर सत्र को शांतिपूर्वक चलाना है, सत्र से सकारात्मक चीज़ें निकालनी हैं, तो अब बहुत हो गया, उनको वापस सदन के अंदर बुलाना चाहिए और शांति के साथ प्रोसीडिंग चले, इसका व्यवस्था करना चाहिए। ABP News
आपको रखे आगे।